नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं आम आदमी पार्टी की। जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 5 बार समन भेजा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर अब तक नहीं पहुंचे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बेहद बड़ा और अहम फैसला आ चुका है। जानकारी दे दें कि अब कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। केजरीवाल जब ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे तो प्रवर्तन निदेशालय ने रुख किया कोर्ट की तरफ। ईडी की अर्जी पर अब कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया है। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी होने का समन दे दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जानकारी दे दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक पेश नहीं हुए थे ईडी अधिकारियों के सामने। लेकिन अरविंद केजरीवाल से पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये दिग्गज नेता अब भी जेल में बंद है। इनकी रिमांड लगातार बढ़ रही है और अब गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पर भी लटकी हुई है। देखना होगा कि कोर्ट ने जिस तरह से समन जारी किया है, क्या 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।